श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज के वीडियो का टाइटल देख के तो बहुत लोग खुश होंगे कि कामदेव वशीकरण साधना बता रहा हूँ मैं तो अब तो किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष को वश में करके अपने मनवांचित फल प्राप्त कर सकते हैं लेकिन <clears throat> मैं बता दूं कि ये जो साधना है ये साधना काफ़ी कठिन है और इसका प्रयोग विपरीत फल देता है विपरीत फल किस स्थिति में देता है अगर आप ये साधना ऐसे किसी व्यक्ति पे करते हो जिसके आउटकम का मतलब जो फल है कर्म का उसके लिए आप भागीदार नहीं होना चाहते हो तो ये आपको विपरीत फल देगा अगर आप किसी और के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करके इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ये विपरीत फल देगा और अगर आप इसका प्रयोग करके जो कार्य करते हैं उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो ये विपरीत फल देगा विपरीत फल ये कैसे देता है तो आपके जीवन में बहुत तरह की बाधाएं आ सकती हैं बहुत सारी परेशानी आ सकती हैं भले ये क्रिया आपके लिए आ, सक्सेसफुल हो जाए लेकिन उसके बाद उसका आउटकम जो होगा दुर्गामी परिणाम तीन गुना बुरा होगा वो क्षण भर के आराम के लिए आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है तो विषय है कि रुद्रनाथ जी आप ये दे क्यों रहे हो जब इतना नेगेटिव आपने शुरुआत में ही बता दिया तो ये जो वशीकरण मंत्र है कामदेव का ये देने के प्रति का कारण ये बन रहा है कि बहुत सारे आजकल ऐसे कपल आ रहे हैं हमारे पास जिनका एक ही प्रॉब्लम है कि अब उनमें संबंध नहीं रहा इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर दूसरी जगह मुंह मारने की आदत है देखिए आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल है लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चारों तरफ लोग देखते हैं तो कितने को रुकीगा और कितना आप अपना मन दबाइएगा उस स्थिति में क्या होता है कि लोग अपने जो जीवन साथी है उसको छोड़ करके दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने लगते हैं उससे पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हमारे सभ्यता पे जो अटैक हो रहा है वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का खैर आते हैं विषय पे सो so, कामदेव वशीकरण साधना क्या है कामदेव प्रेम के देवता हैं काम के नहीं काम तो उसके बाद उनका उनके नाम पे फिर काम और काम सूत्र आया लेकिन प्रेम के देवता हैं कामदेव और कामदेव की बहुत सारी कहानियां हैं महादेव से लड़ चुके हैं विष्णु से लड़ चुके हैं लेकिन प्रेम बांटते रहे यही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हिंदू और क्रिश्चियन दोनों धर्म में और समान रूप में है मतलब यहाँ पे आप कामदेव को देखोगे तो कामदेव एक तीर धनुष लेके चलते हैं और जिसको जिसपे ये तीर का प्रयोग हो गया वो अगले के प्रेम में पड़ जाता है वैसे ही अपने क्रिश्चियनिटी में क्यूपिड होते हैं क्यूपिड बिल्कुल कामदेव की तरह होते हैं वो उड़ते रहते हैं तीर कमान लेकर के और जिस पर चला दिया वो आपके वश में हो जाता है या वो प्रेम में पड़ जाता है तो अभी जो मैं आपको मंत्र दूंगा ये मंत्र कामदेव को का आवाहन करके और किसी भी व्यक्ति पर उस मंत्र को मतलब उनके तीर को चलवाने के लिए उनको बाध्य करने का होता है अब आप ये समझ लो कि ये मंत्र आप बिल्कुल ही इमरजेंसी में यूज़ करना आप समझ सकते हो कि जिस देवता का भिड़ंत महादेव और विष्णु से हो, हो चुका हो जो नष्ट होकर फिर वापस आए हैं वो कोई माम, आ, आम देवता तो होंगे नहीं ये कोई यक्ष गंधर्व और राक्षस तो है नहीं ये हैं देवता ठीक है आप इनको कुछ दे नहीं सकते तो इस साधना का प्रयोग बहुत 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 सोच समझ के करिएगा इस साधना को करने के लिए कोई आपको कोई सामग्री की जरूरत नहीं है क्योंकि कामदेव की साधना की विधि कहीं बहुत विस्तारपूर्वक नहीं दी गई है और जो दी गई है वो बहुत ही गुप्त तंत्र है वो आप लोगों को करना ही नहीं है गृहस्थों के लिए वो होता ही नहीं है तो जो मंत्र मैं आपको दूंगा वो जो चार पहर हैं दिन के उस चार पहर में आपको 121 जापना है इसमें कोई भी माला का प्रयोग नहीं करेंगे कर करमाला पे जाप होता है आप रिंग फिंगर के बीच से शुरू करिएगा गिनती और अपने इंडेक्स फिंगर के नीचे तक लाइएगा फिर इंडेक्स फिंगर के नीचे से जापते हुए आ, मतलब मिडिल फिंगर के ऊपर मिडिल फिंगर के का नीचे का दो कॉलम आपको छोड़ देना है और ऊपर से आप गिनिएगा तो दस आएंगे और फिर वापस दस ऐसे करके आपको एक सौ इक्कीस जाप करना है चारों पहर में ठीक है क्योंकि अगर आप माला पे जाप करेंगे तो माला सिद्ध होगी काम के लिए काम वशीकरण के लिए लेकिन आपको खुद को सिद्ध करना है उसके बाद ये ये आपको एक महीने तक रेगुलर करना है करमाला माला एक सौ इक्कीस जाप ठीक है उसके बाद ये जब एक बार मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो किसी भी अमुक व्यक्ति को आप देखिए उस पर नज़र के अगर आप इस माला का जब करेंगे तो धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके वस में आ जाएगा इसका दुरुपयोग करिएगा तो आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं मैं आपका गुरु नहीं हूँ कि मैं ज़िम्मेदार रहूँगा मंत्र साबर है एक महीना के साधना के बाद अगर आप अपने पति या अपनी पत्नी को देख करके इस मंत्र का जाप करोगे मन में तो वो जो भावना विलुप्त हो गई है अगले के मन में आपके प्रति जो कि संबंध के लिए ज़रूरी होता है वो भावना फिर से वापस आ जाएगी मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस मंत्र का दुरुपयोग करोगे तो इसका जो बैकफायर है वो बहुत ही गंदा होता है और अगर आप बहुत ही मंजे व साधक नहीं हो तो ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो भी इसका प्रतिफल होता है हाँ आपने काम के लिए जो वशीकरण है उसका मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको अपना काम निकालना है व्यापार है या मित्र है वैसे में अगर आपको आ, उसके लिए वशीकरण चाहिए तो मैं आपको वशीकरण मंत्र बताऊंगा और एक बात कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि मैं रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगा एक वीडियो मैंने बताया था रुद्राक्ष जिसमें कि कौन से सेट कर्म में कौन सा रुद्राक्ष उपयोग होता है ये बताया था अगला वीडियो मैं बताऊँगा कि किस किस रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन से क्या क्या होता है तो उसमें एक वशीकरण रुद्राक्ष भी आता है वशीकरण कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि आप सिर्फ उसको धारण करोगे और वो अपना काम करता है वो आपके औरत सरकर को इतना एनर्जेटिक कर देगा कि आपको उसके बाद किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के लिए इतना ही खर बहुत ही काफ़ी था आज जो भी हमने बात किया उम्मीद करते हैं कि आप इस वशीकरण का उपयोग करेंगे अगर आप पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा एक किताब है हैंडबुक फॉर पैर नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो अमेज़ान या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड से ख़रीद सकते हैं आपको अगर और भी कुछ सुविधा है कोई संशय है तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए उसमें रूपल मैप सर्च कीजिए और आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं इसके अलावा अगर कुछ बहुत इमरजेंसी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट एट सॉरी नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इस पर आप मुझे मैसेज uh, करिएगा आप सभी को अलग